ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां 3 बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताया दुख और जानेंगे बदायूं में क्यों पति ने 8 महीने की गर्भवती पत्नी का हंसिए से चीरा पेट। आगे चर्चा करेंगे झांसी की, जहां कॉलेज जा रही एक छात्रा से एक युवक ने छेड़छाड़ कर की मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां जिले के नलखेड़ा तहसील के गांव छालडा स्थित लखुंदर नदी में 3 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई थी। ये खबर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंची तो उन्होंने इस दुखद घटना पर दुख जताया एवं तीनों बच्चों के दुखद मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही मृत हुए 3 बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। आपको बता दें कि इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री को पता लगते ही उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल पर पोस्ट करते हुए तीनों बच्चों के दुखद मृत्यु पर शोक संवेदना जाहिर करते हुए परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। 3 बच्चे एक बुजुर्ग के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए अपने परिजनों के साथ आए थे, जहाँ नदी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं पुलिस द्वारा तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल पहुँचाया गया और पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बदायूं में 8 महीने की गर्भवती पत्नी का पेट हंसिए से चीरने के दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय महिला अपराध के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने 4 साल पुराने मामले में दोषी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव घोचा निवासी गोलू ने 19 सितंबर 2020 को तहरीर देकर अपने बहनोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि बहन अनीता की शादी 22 साल पहले नेकपुर निवासी पन्ना लाल के साथ हुई थी। दंपत्ति की 5 लड़कियां पैदा हुईं। बेटा ना होने को लेकर पन्ना लाल आए दिन बहन के साथ मारपीट करता था। बहन ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो नहीं माना। उसने हंसी से अनीता का पेट चीर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया। वहां से बरेली के लिए रेफर कर दिया गया। अनीता की जान तो बच गई लेकिन गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने हंसिया बरामद करने के साथ ही पन्नालाल को जेल भेज दिया। विवेचक ने साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को पत्रावली का अवलोकन किया। ADGC मुनेन्द्र प्रताप सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है। क्या घटना हुई थी, आपके पति ने आपका पेट क्यों फाड़ा था, क्या वजह थी? इस बार मैं तेरा पेट फाड़ के, मैंने मना किया, आपको बचाया नहीं, कोशिश की मेरी बेटियों ने भी, वो नहीं माने। उन्होंने पेट चीर के और मतलब उन्होंने पेट चीर के आँचे बाहर निकाल दी। यहाँ पर सब बच्चे की चांदी बाहर आ गई और वो बेटा ही था, पता चला मुझे बाद में। और अक्सर वो नशे में रहता। अच्छा, अब कई साल बाद आपके पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो कितना संतुष्ट है आप सजा से? जिस बेटे को हमने 9 महीने पेट में रखा था उसे उस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ दिया। उसका चेहरा मुझे देखने को नहीं मिला, तो आज उन्हें सजा हुई है। इस सजा पे मैं खुश, इंसाफ मिला मुझे कोर्ट से। मैं इसी, अच्छा आपको कोई क्या क्या सरकारी लाभ मिला, आपका जीवन यापन का साधन क्या है आपका? मेरा जीने का संकल्प है, छोटी सी गरीब है, बाकी कोई मेरे बदायूं से सीनियर संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां करवड़ चौकी के अंतर्गत झाबुआ व रतलाम जिले के बीच रानी सिंह माही नदी के पानी के अंदर एक अज्ञात महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप वाल्टर घटनास्थल के लिए रवाना हुए। फिलहाल करवड़ पुलिस मौके पर शव को बाहर निकाला, शव को पोस्टमार्टम के लिए पेटलावद सिविल अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस जाँच में जुटी हुई है। झाबुआ से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर झांसी के मऊ रानीपुर क्षेत्र से है, जहां बता दें कि कॉलेज जा रही एक छात्रा के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की। छात्रा के चिल्लाने पर घसीटकर सड़क से झाड़ियों की ओर ले जाने का प्रयास किया। छात्रा के चिल्लाने पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। छात्रा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सड़क से निकल रहे लोगों ने छात्रा को बचाया। वहीं पीड़ित छात्रा ने कोतवाली मऊ रानीपुर पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।
वहीं मऊ रानीपुर कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपी रवि अहिरवाड़ निवासी ग्राम बुढ़िया के खिलाफ कोतवाली में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा आगे की कार्यवाही की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित छात्र में उसके भाई का क्या कुछ कहना है। तो हम नहीं जानते क्या मामला है। हम कॉलेज जा रहे थे पेपर देने के लिए, अकेले थे तो उसने अकेला पाके हमारे साथ बदतमीजी की, मारपीट भी की और हमारा गला भी दबा रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था। किस कॉलेज जा रहे हैं? श्री रामधाम कॉलेज। अभी कहाँ आए आप? मऊ रानीपुर में हूँ। मऊ रानीपुर थाने में। क्या कार्रवाई है जी? क्या कार्रवाई है सर? बोला कि इस पे कार्रवाई करेंगे आगे। सर ये मामला है कि हमारी बहन कॉलेज जा रही थी रामधाम प्रवेश पत्र लेने, और गली में एक लड़का आया सो कॉलेज के बगल में, उसको पकड़ा मारा और खचोड़ के जंगलों में ले गया, वहाँ से चिल्लाई इसको मारा, ज़बरदस्ती करने लगा और आदमी को सुने तो आदमी दौड़े दौड़े आए, फिर बचाया, फिर लड़का भाग गया। कितने बजे की घटना है ये? अभी 12 बजे की। अभी आप कहाँ पर आए हैं? अभी हम मऊरानीपुर थाने। झांसी से सीनियर संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से, जहां थाने से सटे मुमरा में आज दोपहर करीब 12 बजे बाईपास ब्रिज से तेज रफ्तार ट्रक और एक छोटा टेम्पो सीधे नीचे गिरा। ट्रक की चपेट में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। मुमरा देवरी पाड़ा रशीद कंपाउंड बाईपास के पास यह हादसा आज हुआ। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक और टेम्पो सीधे बाईपास से नीचे आ गया। मुमरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।